रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहज़ाद। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड टू का यूनिट नंबर 2, और यूनिट का टाइटल हमारे पास है विलेजेस एंड सिटीज, यानी कि देहात और शहर। तो सबसे पहले अब रीडिंग करते हैं। एन एरिया वेयर पीपल मेक देयर हाउसेज एंड लिव is called a settlement. In Pakistan, there are two major type of settlements, village, city. Village. A village is a small group of houses. It is situated in rural area. It is smaller than a town. Usually, the people grow crops here. जी, आपका वो रकबा जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको सेटलमेंट कहा जाता है। पाकिस्तान में नॉर्मली दो तरह की सेटलमेंट्स हैं, यानी कि गाँव और शहर। जब हम गांव के बारे में बात करते हैं तो गांव वो जगह है जहां पर छोटे छोटे लोग अपने घर बनाकर रहते हैं। ये नॉर्मली रूरल एरिया में बना होता है, यानी कि रूरल एरिया जहां पर ज़िंदगी की इतनी सहूलियात मयसर नहीं है। ये एक कस्बे से भी छोटा होता है। यहां के लोग आम तौर पर फसलें उगाते हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 16 पे। पहले पेज नंबर 15 की हम पहली एक्टिविटी देखते हैं, और यहाँ पर आप बच्चों से सवाल पूछेंगी कि वो कहाँ रहते हैं, शहर में या गांव में। वो आपको बताएंगे कि वो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। जहाँ जहाँ आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ वहाँ आप जिस भी इलाके में रहते हो, आप बताएँ कि वो शहर में रहते हैं या गाँव में। पेज नंबर 16 पर हमारी दूसरी एक्टिविटी है, आस्क द स्टूडेंट टू पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ विलेज। बच्चों से कहें या तो वो तस्वीरें इकट्ठी करके लाएँ और किसी कॉपी पे पेस्ट करें देहात की, या तो वो अपने हाथ से पेंसिल की मदद से ड्रॉ करें अपनी कॉपी पे देहातों की तस्वीरें। अब देखते हैं प्लेसेस इन अ विलेज, यानी कि एक विलेज के अंदर कौन कौन सी जगह होती है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वेल की है, यानी कि कुआं। दूसरी हमारी मस्जिद की। तीसरी एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे बेंच पे बैठे हुए और टीचर पढ़ा रहा है। पेज नंबर 16 पर अगला जो टॉपिक है, दैट इज प्रोफेशन इन विलेजेस, यानी के पेशे। पहली तस्वीर शॉपकीपर, दुकानदार। दूसरी कॉबलर, मोची। नेक्स्ट आपके पास है ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ कौन लोग होते हैं? ब्लैकस्मिथ होते हैं आपके लोहार। अब चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विलेजेस। विलेजेस में क्या क्या खसूसियात हैं? इन विलेजेस मैनी हाउसेज आर बिल्ट विद मड। All the houses have courtyard. Most of the people work in the fields. There are muddy roads. जो नुमाया खसूसियात हैं वो ये हैं कि घर आम तौर पर जो बने होते हैं, ज़्यादातर वो बने होते हैं मिट्टी के। हर घर में एक खुला सहन होता है। लोग जो हैं वो खेतों में काम करते हैं, और जो सड़कें होती हैं वो बहुत मडी होती हैं, यानी कि आपकी मिट्टी वाली सड़कें, कच्ची सड़कें होती हैं। सफ़ा नंबर 17 पे अ डे इन द लाइफ ऑफ विलेज पीपल। जी, अब देखते हैं कि विलेज के लोग ज़िंदगी कैसे कराते हैं। अ डे फॉर द विलेज पीपल स्टार्ट्स अर्ली। द मैन गो टू द फील्ड्स फॉर वर्क। दे वर्क देयर ऑल द डे। वुमेन डू ऑल द हाउस वर्क। दे इवन टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। द वुमेन आल्सो टेक लंच टू द फील्ड्स फॉर देयर मील्स। इनका एक दिन कैसे गुजरता है? जी, सुबह जल्दी उठते हैं, आदमी जो होते हैं वो खेतों में चले जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, सारा दिन वहाँ काम करते हैं। औरतें घरों के काम करती हैं, और घरों में जो पालतू जानवर होते हैं जो कि उन्हें खेतों में इस्तेमाल करने होते हैं, औरतें उसकी भी देखभाल करती हैं। औरतें खाना पकाती हैं, और दोपहर का खाना आदमियों के लिए लेके जाती हैं फसलों पर भी। एक्टिविटी 3 क्या है? एक्टिविटी 3 में आप बच्चों से सवाल पूछेंगी और बताएंगी कि डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि घरों में रखने वाले जानवर कौन कौन से हैं। बच्चे उसका नाम बता सकते हैं, जैसे काऊ हो सकती है, हेन हो सकती है, कैट हो सकती है, हॉर्स हो सकता है। कौन से वो एनिमल्स हैं जो बच्चे आप बच्चों से पूछेंगी। देन एडवांटेजेस ऑफ अ लिविंग इन अ विलेज। आपके गाँव में रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं? द पीपल हैव फ्रेश फूड फ्राम द फील्ड्स। People have pure milk and ghee. The air of a village is pure. Everybody knows each other. जी, लोगों को खेतों से ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर खालिस घी और दूध मिल जाता है। अब वो हवा यहाँ की साफ़ है, और लोग एक दूसरे को जानते हैं। नुकसानात क्या हैं गांव में रहने के? जी, इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस देयर इज़ नो नेचुरल गैस एंड वाटर सैनिटेशन सिस्टम। देयर आर पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज। देयर आर द पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। देयर इज़ नो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देयर आर वेरी फ्यू जॉब्स। यहाँ पे खाना पकाने के लिए गैस और साफ पानी और पानी की जो निकासी का इंतज़ाम होता है वो नहीं है। तालीम की सहूलियात इतनी अच्छी नहीं है। सेहत की सहूलियात अच्छी नहीं है।
कोई ज़राए आमदोरफ़्त का सिस्टम हमारे पास प्रॉपर नहीं बना हुआ और यहाँ पर जो जॉब्स नौकरियाँ हैं वो बहुत कम हैं। पेज नंबर 17 पे अगला टॉपिक है सिटी लाइफ, यानी कि शहर की ज़िंदगी। अ सिटी इज़ अ लार्ज टाउन, इट इज़ सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया, इट हैज़ मैनी हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, इट हैज़ डिफाइंड बाउंड्रीज, इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। एक बड़े कस्बे को शहर का नाम दिया जाता है, अर्बन एरिया में वाकिया होता है। यहाँ बहुत सी इमारतें और घर होते हैं। हर शहर की अपनी एक बाउंड्री है, एक लिमिटेशन है कि शहर कहाँ से शुरू होता है, शहर कहाँ पर ख़त्म होता है। और शहरों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस भी हैं, यानी कि जो शहरों की देखभाल करते हैं। एक्टिविटी 4 हमारे पास पेज नंबर 18 पे आ रही है कि यहाँ पर बच्चों से आप कहें कि एक चार्ट के ऊपर या तो शहर की तस्वीरें ड्रॉ करें या कलेक्ट कर लाएँ और आप उसको कॉपी पर पेस्ट करवाएँ। प्लेसेस इन अ सिटी, शहर के अंदर कौन कौन सी जगह हैं। जी, तस्वीर में नज़र आ रहा है म्यूज़ियम, ज़ू, थीम पार्क, यानी कि अजायब घर है, चिड़ियाघर है और थीम पार्क्स, यानी कि बहुत सारे बच्चों की तफरी के लिए पार्क्स हैं। कौन से पेशे हैं, प्रोफेशंस कौन से हैं, हॉस्पिटल हैं, सिटीज़ हैं और ऑफिसेज हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में उस्ताज़ा मिलेंगे, ऑफिसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। Characteristics of the cities. The houses are built with the cement. The houses are big. Most of the people work in offices. They have wide paved road. خصوصیات کیا ہیں؟ گھر جو ہوتے ہیں وہ پکے ہوتے ہیں اور سیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں، گھر بڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ دفتر میں کام کرتے ہیں اور سڑکیں بھی پختہ ہوتی ہیں اور ہموار ہوتے ہیں۔ A day in the life of city people. A day for the city people is very busy. The men get up early in the morning. They leave their kids at school. Later they go to their offices. They work in their offices till evening. Women also get up early in the morning. They do all the housework. They even go to the markets to buy things. اب کیسی زندگی ہے ایک دن شہر کی زندگی کا دیکھتے ہیں۔ شہر کی زندگی جو ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہیں۔ آدمی صبح سویرے اٹھتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کر آتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنے دفتر میں جا کر کام کرتے ہیں، یہ سارا دن دفتر میں کام کرتے ہیں، شام تک دفتر میں کام کرتے ہیں۔ عورتیں بھی صبح جلدی اٹھتی ہیں اور یہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں۔ ان کو بازار بھی سم ٹائم جانا پڑتا ہے چیزیں خریدنے کے لیے۔ ایڈوانٹیجز آف لیونگ ان اے سٹی، سٹیز ہیو بیٹر ایجوکیشن فیسلٹیز، سٹیز ہیو بیٹر ہیلتھ فیسلٹیز، سٹیز ہیو نیچرل گیس اینڈ سینیٹیشن سسٹم، سٹیز ہیو گڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، دیر آر مینی جابز ان اے سٹی۔ شہروں میں رہنے کے فوائد کیا ہیں؟ صحت کی سہولیات زیادہ اچھی ہیں، تعلیم کی سہولیات زیادہ اچھی ہیں، نیچرل گیس بھی ہے، پانی کی نکاسی کا انتظام بھی بہت اچھا ہے، سرائے آمد و رفت کا سسٹم بہت اچھا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ نوکریاں بھی ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف لیونگ ان اے سٹی، یہاں پہ کیا نقصانات ہیں شہر میں رہنے کے؟ سٹیز آر ویری کراؤڈڈ، سٹیز آر پولوٹیڈ، ویری فیو پیپل نو ایچ ادر، دیر از ٹو مچ ٹریفک، دیر آر مینی کرائمس ان اے سٹی۔ سٹیز میں بہت زیادہ رش ہے، اوور کراؤڈڈ ہے، پولوشن بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آلودگی ہے، لوگ ایک دوسرے کو بہت کم جانتے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے اور جرائم بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایکٹیویٹی 5، یہاں پر آپ نے بچوں سے پوچھنا ہے اپنی شہروں کے بارے میں، یعنی کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، شہر یا دیہات میں، اس کے بارے میں ایک پسند اور ایک ناپسند۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔